स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद, रुड़की के मंगलौर में स्लॉटर हाउस का विरोध फिर से शुरू हो गया है। लक्सर से भाजपा विधायक संजय गुप्ता ने स्लॉटर हाउस के निर्माण पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से इसे रोकने का जीओ जारी होने के बाद भी स्लॉटर हाउस का काम चोरी छुपे किया जा रहा है, जो कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंगलौर जो स्लॉटर हाउस था वो बंद हो गया था, उसमें चोरी छुपे से निर्माण हो रहा है, तो मैंने इस संबंध में यहाँ प्रेस बुलाई थी। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यह कैबिनेट में पास कर दिया था कि हरिद्वार जनपद में कहीं पर भी स्लॉटर हाउस का निर्माण नहीं होगा। इसका जीओ भी जारी हो गया था, लेकिन फिर भी चोरी छिपे से बन रहा है। वो जीओ कहाँ अटक गया, किस व्यक्ति के द्वारा अटकाया गया है, उसकी जाँच होनी चाहिए। उधर हल्द्वानी नगर निगम में शामिल ग्रामीण इलाकों में दो साल बाद भी कोई विकास कार्य नहीं होने से ग्रामीणों में गुस्सा है। वार्ड नंबर 41 हिम्मतपुर तल्ला क्षेत्र के लोगों का कहना है कि नगर निगम में शामिल होने के बाद भी उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। दो साल का समय बीतने के बाद भी इनके क्षेत्र में विकास के काम नहीं हो रहे हैं। वार्ड 41 है और यहाँ पर दिक्कत ही दिक्कत है, कोई सहूलियत तो कुछ भी नहीं है। जब कॉरपोरेशन आने के बाद उल्टा ज़्यादा हो गई, नहीं तो पंचायत तो कुछ काम करवाती थी। कॉरपोरेशन आने के बाद तो कुछ काम नहीं हो रहा, पंचायत को भी कम से अधिकार छिन गए। और सड़कों में गड्ढे हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है तो यहाँ पर सड़कें गड्ढे हैं, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट प्रोन हो गया एरिया। एक तरफ कुंभ के कामों की धीमी रफ्तार को लेकर संत नाराज हैं, तो वहीं प्रशासन की तरफ से कुंभ को लेकर बैठकों का दौर जारी है। मेला अधिकारी दीपक रावत ने कुंभ के कामों को लेकर मीटिंग की और इस दौरान शहर के तमाम व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों, होटल व्यवसायियों और धर्मशाला से जुड़े हुए लोगों के साथ भी उन्होंने बैठक की है। इस दौरान कुंभ मेले को सफल बनाने के लिए सुझाव दिए गए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इस पे जोर दिया गया और जो कोविड के जितने डूज डोंट्स हैं उसका पालन करते हुए मेले के दौरान हम इसको कराएं, इस पे जोर दिया गया। बहुत से सुझाव यूजफुल आपके यहाँ पे मिले हैं। एक तो ये भी सुझाव रहा कि भाई बहुत से हमारे बुजुर्ग यहाँ पे पिलग्रम्स आते हैं, मिलार्थी आते हैं, जिनको कि कुली की व्यवस्था नहीं है, सामान ले जाना होता है, बुजुर्ग हैं वो नहीं है, तो अच्छा सुझाव आया है। सेकेंडली सुझाव आया है कि जो हम बड़े अपने बस अड्डे हैं वहाँ पे श्रद्धालुगणों को रोकेंगे, एक तो शटल बस भी वहाँ पे होनी चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कुमाऊं दौरे के दौरान खटीमा का दौरा किया। प्रदेश अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली सभी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए कहा। सशक्तिकरण की राजनीति करी आज आयुष्मान की, जो हमारे युवा अल्पसंख्यक समाज के लिए जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर कार्यकर्ता के पास पहुंचे और शक्ति केंद्र और मंडल तक पहुंचे, ऐसी हमारी कार्यकर्ता की योजना है। उधर राजाजी नेशनल पार्क से बाघिन के गायब होने के बाद अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी वन विभाग मुस्तैद हो गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लगाए गए थर्मल कैमरा से नजर रखी जा रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बनाए गए टाइगर सेल में लगातार इन केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। इनका काम है ये 24/7 चलता है हमारा, 2400 घंटे हम इसकी निगरानी करते हैं टाइगर सेल के माध्यम से, और कोई भी जो वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट हो या ह्यूमन मूवमेंट होती है हम उसको लाइव रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटर करते हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी होती है उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। पौड़ी जिले को सरकार की तरफ से एयरलेस एम्बुलेंस की सौगात तो मिली, लेकिन इस एम्बुलेंस का संचालन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास स्टाफ ही नहीं है। इस आधुनिक एम्बुलेंस में वेंटिलेटर की फैसिलिटी के साथ साथ डिसेबिलेटर की फैसिलिटी तक दी गई है, जिससे गंभीर मरीज की जान बचाई सकती है, लेकिन इस तकनीक के संचालन के लिए स्टाफ का टोटा स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी कमजोरी बना हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की